हम इस वीडियो लेक्चर में रेक्टिलिनियर मोशन, सरलरेखीय गति और इसकी बी एक्सरसाइज का फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो क्या है इस आर्टिकल की स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है इसने इस आर्टिकल के अंदर? मोशन अंडर इनवर्स स्केयर लॉ, मोशन अंडर इनवर्स स्केयर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन कण की गति। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर? देखिए स्टेटमेंट के अंदर क्या लिख रहा है, ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, और किस टाइप का रूल दे रखा है इसने? ठीक है, वो कह रहा है ये जो अट्रैक्शन है ये वेरी कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यानी कि रूल इस टाइप का दे रखा है इसने, एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस आएगा, माइनस क्यों लगाना होगा, बिकॉज अट्रैक्शन आकर्षण। और मैंने बहुत ही क्लियर कहा था कि जब भी डायनामिक्स के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आकर्षण या अट्रैक्शन वर्ड आता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे हम, और रिपल्सन आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, प्रतिकर्षण आते ही प्लस लगा देंगे हम। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर पार्टिकल इस रूल के अकॉर्डिंग चले किस साइड की ओर, टू द फिक्स पॉइंट, फिक्स बिंदु की ओर, देन डिस्कस द मोशन ऑफ पार्टिकल, कण की गति की व्याख्या करो आप। ठीक है, पार्टिकल की मोशन किस टाइप की होगी उसकी अपने को डिस्कशन करना है, और डिस्कशन का मतलब क्या होता है आर्टिकल के अंदर, रिलेशंस तैयार करने हैं अपने को, फॉर्मूलेज ड्राइव करने हैं यहाँ पर, वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन होगा, वेलोसिटी और टाइम में क्या रिलेशन होगा। ओके, तो इस टाइप के फॉर्मूले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रूफ देखिए आप इसका, सॉल्यूशन। हाँ भाई, प्रूफ ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं एक पार्टिकल अपनी मोशन से स्टार्ट करता है, स्टार्ट मींस वेलोसिटी जीरो होगा और टाइम भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं वो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट या सेंटर ऑफ फोर्स जो मर्जी लिखो आप, और उसके बाद पार्टिकल को ये सेंटर ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, आकर्षण बल लगा रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो हम सपोज कर लेते हैं टी टाइम के बाद, यानी कि ए से चला टी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ पे है, पॉइंट पी पर, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, वी है, और उसकी ओ से डिस्टेंस कितनी है, एक्स, और ओ ए को हम ए सपोज कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ओ ए कितना है, ए, तो ये चीज़ें लिख देना आप, लेट ओ ए इक्वल टू ए एंड ओ बी ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, ओ एक फिक्स बिंदु है और पी पर पार्टिकल की वेलोसिटी वी, अब देखो जीरो से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो हम सपोज कर लेते हैं इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, एफ, किस साइड की ओर, ओ की ओर। ठीक है, तो उसके बाद फिर लिखो आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ठीक है, परिभाषा के अनुसार, प्रकथन के अनुसार, F इज प्रोपोर्शनल टू कितना है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, F इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर आपने फोर्स लिखेंगे तो m लगाना पड़ेगा आपने, और अगर हम एक्सल लिखें, एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एम लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सीधा लिख दो आप एफ इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से होंगे, वी डी वी अपॉन डी एक्स, या डी वी अपॉन डी टी, या फिर डी टू एक्स अपॉन
डी टी स्क्वेयर, ये हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल के अंदर देखो आप, राइट हैंड साइड के अंदर एक्स है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, एफ के स्थान पर वी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो लिखो आप, पुट एफ इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये रख दो आप। तो ऐसा करते ही इक्वेशन फर्स्ट बनेंगी, दैट इज वन इम्प्लाइज वी डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर, ओके। और अगले स्टेप के अंदर क्या करना होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करते हुए तो हम लोग क्या करते हैं, वी डी वी इक्वल टू माइनस म्यू इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, और अब आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का कितना हो जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन टू, वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वेयर अपॉन टू, और राइट हैंड साइड के अंदर वन अपॉन एक्स स्क्वेयर का कितना होता है, माइनस वन ओवर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन, एक बटा एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन माइनस वन ओवर एक्स, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर अपॉन टू इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स प्लस सी वन, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो नंबर समीकरण। और अब देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, सी वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पर, इनिशियल कंडीशन, शुरू में क्या है, ठीक है। तो देखिए आप, एट ए स्टार्टिंग में, शुरू में, तो देखो आप ए पर आपके पास किस टाइप का डाटा है, एट ए बिंदु ए पर ठीक है डाटा देखिए आप, टाइम जीरो है, वेलोसिटी भी कितनी है, जीरो है, और एक्स कितना है, एक्स हमारे पास है ओ ए दैट इज स्मॉल ए, क्योंकि एक्स हम कहाँ से कंसीडर करेंगे, सेंटर से, ये याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। दूरी हम कहाँ से लेंगे, ओ से लेंगे हम, तो जब पार्टिकल ए पर है तो इसकी ओ से डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए है, तो इनको रखिए आप इक्वेशन सेकेंड के अंदर, देन बाई टू इक्वेशन सेकेंड से क्या बनेगा, जीरो इक्वल टू म्यू अपॉन ए प्लस सी वन, तो सी वन हमारे पास आ रहा है माइनस म्यू अपॉन ए, ओके। वी के स्थान पर जीरो पुट कर दो, एक्स के स्थान पर ए पुट कर दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो इक्वल टू म्यू अपॉन ए प्लस सी वन, तो यहाँ से सी वन की वैल्यू आ गई, और वापिस सी वन की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर, तो लिखो आप बाई टू इक्वेशन दो से, तो क्या कुछ बन रहा है हमारे पास, दैट इज वी स्क्वेयर अपॉन टू इक्वल टू म्यू अपॉन एक्स माइनस म्यू अपॉन ए। और अब आप देखिए यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है म्यू, तो अगला स्टेप हम लिखेंगे, दैट इज वी स्क्वेयर अपॉन टू म्यू कॉमन वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ए, ऐसा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने लिखना है वी स्क्वेयर इक्वल टू टू म्यू, और इसका एलसीएम ले लो आप, दैट इज ए एक्स, और ऊपर हमारे पास आएगा ए माइनस एक्स, ठीक है, एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम लेने के बाद ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप थर्ड, और इक्वेशन थर्ड क्या है ध्यान दो आप, थर्ड क्या है, टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास, तो लिख सकते हो आप इक्वेशन थर्ड बी ए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस आफ्टर टाइम टी, ठीक है। तो लिख देना आप समीकरण तीन के बारे में, समीकरण तीन, टी समय के बाद कण की दूरी और वेग में संबंध है, इस लाइन को ऐसे लिख देना आप, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए ओ पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं कितनी है, तो हम सपोज कर लेते हैं ओ पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, कैपिटल वी, ठीक है, ये सपोज कर लो आप, हाँ भी हेडिंग लगाओ यहाँ पर, वेलोसिटी एट ओ, बिंदु ओ पर वेग का मान ज्ञात करना, आगे क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा दो आप, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ओ पर वी के स्थान पर हम
कैपिटल वी पुट करेंगे, एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। देखो आप जैसे जैसे पार्टिकल इधर आ रहा है एक्स कम हो रहा है, और ओ पर एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड के अंदर ये चीज़ें पुट करो आप, तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज कैपिटल वी स्केयर इक्वल टू टू म्यू इंटू ए माइनस जीरो अपॉन जीरो, दैट इज वी स्केयर इक्वल टू इन्फाइनाइट, दैट इज वी इक्वल टू इन्फाइनाइट। तो कहने का मतलब क्या है, सेंटर पर हम वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, कितनी आ रही है, अनडिफाइंड। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कण केंद्र पर किस वेग से पहुंचेगा, अप्रवाशित वेग से। ठीक है, अनडिफाइंड वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगा, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपके सामने आंसर कितना आ रहा है, इन्फाइनाइट। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा आप, ओके। और फिर आगे, अब देखो हमारा काम जो है यहाँ वेलोसिटी पर ख़त्म नहीं होता, आगे अपने को क्या करना है, एक्स और टाइम में रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन बाई थर्ड, दोबारा फिर इक्वेशन थर्ड से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ओके। हाँ भी इसके बाद आइए आप बाई थर्ड, क्योंकि आगे बढ़ना है अपने को, तो थर्ड से हम लोग क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। तो वी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट टू म्यू इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, ओके। और अब इसके बाद देखो हम वी का, वी को लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, और साइन कौन सा चूज करेंगे, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम सेंटर की ओर आ रहे हैं क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है, तो एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है, और जब ऐसा होगा तो हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव। तो ये हमारे पास आएगा, देखो आप, माइनस अंडर रूट टू म्यू इंटू ए माइनस एक्स अपॉन ए एक्स, ओके। और इसके बाद फिर आपने क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो इस एक्सरसाइज के अंदर डी टी के साथ अंडर रूट टू म्यू लिखेंगे हम, यानी कि कॉन्स्टेंट लिखेंगे डी टी के साथ, और डी एक्स के साथ आ जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन, अब देखो ए बी इधर लिख दो आप साथ में, टू म्यू अपॉन ए, कॉन्स्टेंट को डी टी के साथ लिखा जाएगा, ध्यान देना आप, टू म्यू अपॉन ए अंडर रूट के अंदर आएंगे, साथ में डी टी आएगा, और उसके बाद डी एक्स के साथ कौन जाएगा, देखो आप डी एक्स के साथ जाएगा एक तो माइनस, और एक एक्स ऊपर जाएगा, और ए माइनस एक्स नीचे जाएगा, और इसके ऊपर अंडर रूट, और साथ में आप लिख दो डी एक्स। प्लीज़ इस स्टेप को लिखते हुए गलती मत कर देना आप, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है, टू म्यू अपॉन ए, कॉन्स्टेंट को डी टी के साथ रखो आप, डी टी का उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और एक्स जाएगा ऊपर, और ए माइनस एक्स जाएगा नीचे, और इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, और माइनस को डी एक्स के साथ ले जाओ आप, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और अब हमारा टारगेट क्या है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है, समाकलन करेंगे हम, तो लिखो आप ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बनेगा टू म्यू अपॉन ए इंटू डी टी का टी लिख सकते हैं हम, ठीक है। राइट हैंड साइड के अंदर इंटीग्रेशन का साइन लगा दो आप, अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू, ओके। सी टू को हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। और अगले स्टेप के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स है, हम पुट करेंगे, क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दो आप, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम होता है, अगर ए माइनस एक्स है तो वन माइनस साइन स्क्वायर या वन माइनस कॉस स्क्वायर बना लो आप, तो एक्स के स्थान पर ए साइन स्क्वायर थीटा या ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद देखो डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा टू ए साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, यानी कि थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना। तो पहले हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा बनेगा कितना, टू ए साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू टू ए साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये बनेगा,
ओके। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x और dx की वैल्यू पुट करनी है अपने को, यहाँ पर x और dx का मान पुट करना, ठीक है। और एक चीज और करो, आप लोग यहाँ से लिखिए, क्योंकि सारा कुछ तैयार कर लो, बाद में इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। साइन स्क्वेयर थीटा कितना देगा, x अपॉन a, और साइन थीटा कितना देगा, साइन थीटा हो देगा रूट ऑफ x अपॉन a, और थीटा कितना हो देगा, थीटा हो देगा साइन इनवर्स रूट ऑफ x अपॉन a। पहले साइन स्क्वेयर थीटा लिखो, फिर साइन थीटा लिखो, और फिर थीटा लिखो आप, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को लास्ट में, ठीक है। तो अब ये पुट करो आप इसके अंदर, और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो आप, और अब लिखिए बाई 4 इक्वेशन 4 से, इक्वेशन 4 के अंदर मान पुट करिए आप, तो क्या देगा आपके पास, अंडर रूट 2 म्यू अपॉन a इंटू टी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी 2 म्यू अपॉन a इंटू टी, और राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अपने को। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, माइनस, ओके, और इंटीग्रेशन के अंदर रूट में हमारे पास आ रहा है x, x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, a साइन स्क्वेयर थीटा, और उसके बाद देखो जैसे ही हम अपॉन के अंदर x के स्थान पर a साइन स्क्वेयर थीटा रखेंगे, a कॉमन आएगा, तो a कॉमन आने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और इंटू dx की वैल्यू, मल्टीप्लाई में dx का मान, तो dx कितना है, dx को भी ध्यान से ले देना आप, तो ये हमारे पास है मल्टीप्लाई 2a साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस c2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, ठीक है। तो प्लीज़ बड़ी ध्यान से ध्यान दो आप, देखो x के स्थान पर a साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ भी x के स्थान पर a साइन स्क्वेयर थीटा, a कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और इंटू dx की वैल्यू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। आगे बढ़िए आप, तो अगला स्टेप जो होगा उसमें आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, a से a कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो, 2a को इंटीग्रेशन से बाहर लिख देना, तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट 2 म्यू अपॉन a इंटू टी और इक्वल टू माइनस 2a, ये 2a है, इसको यहाँ ले आओ इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, ठीक है। और देखो साइन स्केयर है तो अंडरूट से बाहर क्या आएगा, साइन, और अपॉन के अंदर 1 माइनस साइन स्केयर कॉस स्केयर, 1 माइनस साइन स्केयर क्या बनेगा, कॉस स्केयर, और अंडरूट से बाहर क्या आएगा, कॉस आएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी टू, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी टू, बड़े ही आराम से चलिए आप, कॉस से कॉस कैंसल, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2a साइन स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा प्लस सी टू, देखो साइन स्क्वेयर थीटा हो गया यहाँ पर साइन इंटू साइन, और साइन स्क्वेयर का इंटेग्रेशन नहीं होता तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर को चेंज करेंगे हम किस में, कॉस डबल एंगल के अंदर, तो साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी थीटा प्लस सी टू, साइन स्क्वेयर के स्थान पर क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, फॉर्मूला नोट कर देना साइड के अंदर, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, और अब आप इंटेग्रेट करिए, तो देखो 1 का थीटा हो जाएगा और कॉस 2 थीटा का कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी टू, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए इंटू थीटा, और साइन 2 थीटा को हाफ एंगल के अंदर बदलिए आप, तो क्या लिखा जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी टू, ओके। और अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो अब आप देखो आपके पास है क्या चीज़, हमारे पास यहाँ तो साइन थीटा की वैल्यू है, यहाँ हमारे पास थीटा की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू नहीं है, तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए इंटू थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा पढ़ा रहने दो,
और कॉस थीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू है हमारे पास, तो कॉस थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस सी टू, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। और अब इसमें थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पुट करो तो यह आ जाएगा माइनस ए, थीटा के स्थान पर आएगा साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, ठीक है। और फिर साइन थीटा के स्थान पर रूट एक्स अपॉन ए, और अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एक्स अपॉन ए है, प्लस सी टू, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से थीटा का मान पुट करना, साइन थीटा की वैल्यू पुट करना और साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू पुट करना, ठीक है। और अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगला स्टेप हमारे पास ये बनेगा, माइनस ए इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए। अब देखो रूट दोनों के ऊपर है तो हम रूट के अंदर दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एक्स अपॉन ए इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए का रूट, ओके। रूट को हम इकट्ठा कर सकते हैं दोनों टर्म्स के ऊपर, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी टू आएगा। तो बड़े ही आराम से चलिए आप, ठीक है। और अब डायनामिक्स के अंदर क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। और इसका जो भी नंबर बनेगा, शायद इक्वेशन नंबर 5 बनेगी ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन का मान निकालेंगे हम, कहाँ पर, एट ए। तो लिखो आप, एट पॉइंट ए, यानी कि इनिशियली, शुरू में, तो स्टार्टिंग में देखो आप टाइम कितना है 0, और x कितना है OA, अर्थात A, x अपने को O से लिखना है, OA का मान ये होगा स्टार्टिंग के अंदर, यानी कि A से O की दूरी, x हमेशा O से लिखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, A पर, तो A पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल a के बराबर, ठीक है। पुट करो आप, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, t के स्थान पर 0 पुट करते ही, इक्वल टू माइनस a साइन इनवर्स 1, क्यों, a अपॉन a, और फिर माइनस अंडर रूट के अंदर 0 बनेगा, कैसे 0 बनेगा, देखो आप, a अपॉन a दैट इज 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0, प्लस c2। और इसके बाद हमारे पास देखो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 0 इक्वल टू माइनस a साइन इनवर्स 1, क्या होता है, पाई बाई 2, प्लस c2। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज c2 इक्वल टू a पाई बाई 2, ठीक है। और C2 का मान पुट कर दे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, 5 में C2 का मान पुट करना, तो लिखिए प्लीज, बाय 5 समीकरण 5 से, इसके बाद लिखना, कहने का लो C2 की वैल्यू पुट करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 म्यू अपॉन a इंटू टी बराबर माइनस ए इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन ए इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए प्लस सी टू की वैल्यू। सी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी टू की वैल्यू है ए पाई बाई टू, ए इंटू पाई बाई टू। और अगर अब हम ए कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, देखो आप a कॉमन निकालेंगे हम तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 म्यू अपॉन a इंटू टी, ए कॉमन निकालना, तो सबसे पहले पाई बाई 2 लिखो आप, दैट इज पाई बाई 2, फिर लिखो आप माइनस है, देखो आप माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा x अपॉन a इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन ए का रूट। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस साइन इनवर्स किसके बराबर होता है, कॉस इनवर्स के बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2 म्यू अपॉन ए इंटू टी इक्वल टू ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस,
ये टर्म आएगी हमारे पास प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन ए इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए। बड़े ही आराम से चलिएगा आप। और अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टी का मान कैलकुलेट करेंगे। तो देखो टी कितना बनेगा, टी बनेगा ए की पावर 3/2। क्यों, पावर 1/2 दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा ए की पावर 2/3 अपॉन 2μ इंटू हमारे पास आ रहा है कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स अपॉन ए इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए। तो ये क्या चीज़ है, एक्स यानी कि टी और एक्स में रिलेशन है। और इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख देना आप, और आप लिख दो इक्वेशन 6 बी ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। ठीक है, तो कहने का लो समीकरण 6 क्या है, टी और दूरी एक्स में संबंध है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टाइम का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो याद रखना आप टी इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर 3/2 अपॉन रूट 2μ इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स अपॉन ए इंटू वन माइनस एक्स अपॉन ए। ठीक है, बहुत काम आएगा हमारे ये फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम किस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास डिस्टेंस हो हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हम इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 6 से पार्टिकल का सेंटर तक पहुंचने का टाइम कैलकुलेट करेंगे हम। ओके, तो हम सपोज कर लेते हैं ए से ओ का टाइम कितना है, t1 है। ए से ओ का टाइम कितना है, t1 सपोज कर लो आप। ए से सेंटर तक का टाइम, तो हेडिंग लगा दो आप टाइम फ्रॉम ए टू ओ क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, अभी मैंने क्या सपोज किया है, लेट t1 इक्वल टू टाइम फ्रॉम ए टू ए। हम मान लेते हैं t1 ए से ओ का समय है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अभी जैसे पार्टिकल ओ के ऊपर आएगा तो क्या होगा, एट ओ टाइम किसके बराबर हो जाएगा, t1 के बराबर, और एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। देखो आप एक्स कम होते होते जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा हाथ चले तो यहाँ आकर के ताली बजेगी, तो इसका मीनिंग क्या है, x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x इक्वल टू जीरो टाइम इक्वल टू t1, तो रखिए इक्वेशन 6 के अंदर, देन इक्वेशन 6 बिकम्स समीकरण 6 क्या बनेगा, दैट इज t1 इक्वल टू a पावर 3/2 अपॉन रूट 2μ इंटू कॉस इनवर्स 0, क्योंकि x के स्थान पर 0 पुट करेंगे हम, कॉस इनवर्स रूट में 0 आ गया, और यहाँ x के स्थान पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो प्लस रूट 0, यहाँ 0 पुट करते 0 इंटू जो मर्जी होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 0। तो अगले स्टेप के अंदर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है t1 इक्वल टू a पावर 3/2 अपॉन रूट 2μ और कॉस इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, π/2 के इक्वल। तो ये टाइम लगेगा पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में, a से o तक, π/2 इंटू ए रेज द पावर 3/2 अपॉन रूट 2μ। ये टाइम है कहाँ से कहाँ तक का, a से लेकर सेंटर तक का। तो इसके बाद फिर लिखो आप नेचर, नेचर किस टाइप की रहेगी, तो लिखिए आप नेचर ऑफ मोशन, क्योंकि आर्टिकल के अंदर सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, नेचर ऑफ मोशन, गति का स्वभाव किस टाइप का होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, ये अपने को बताना है। तो देखो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो इस टाइप का बनेगा, ए और ए डैश, ओ सेंटर होगा। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ए पर कितनी है, 0 है, ओ ए को मैंने ए सपोज कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद ओ ए डैश ये भी कितना होगा, ए के बराबर। ठीक है, तो अभी हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला
ड्राइव किया था यहाँ पर वी स्केयर इक्वल टू, अगर उसके अंदर एक्स के स्थान पर ए पुट कर दें तो वी का मान कितना देगा, जीरो देगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, ओ से ए दूरी पर उधर भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, और ओ से इस साइड के अंदर जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो भी कितनी आएगी, जीरो के बराबर आएगी। यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और सेंटर के ऊपर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, कितना आया था हमारे पास, इन्फाइनाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ए पर वेलोसिटी जीरो है, पार्टिकल को सेंटर ऑफ फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे ही क्या होगा, ए डैश के ऊपर पार्टिकल रुकेगा, और रुकते ही क्या होगा, सेंटर ऑफ फोर्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो दोबारा फिर इसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जीरो वेलोसिटी से चला है इस साइड की ओर, वैसे ही ए डैश से वो क्या होगा, ओ की ओर चलेगा, ठीक है, किस वेलोसिटी से, जीरो से, और सेम डिस्टेंस ए है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी दोबारा फिर क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट, और यहाँ से फिर ए पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मोशन ऑफ पार्टिकल कैसी रहेगी, तो लिख दो आप, मोशन ऑफ पार्टिकल ठीक है किस टाइप की होगी, ए टू ए डैश, फिर ए डैश टू ए, फिर ए टू ए डैश एंड सो ऑन, इस टाइप की नेचर रहेगी इसकी। कण की गति ए से ए डैश, ए डैश से ए, द्वारा फिर ए से ए डैश, इस तरीके से इन दोनों बिंदुओं के बीच में रहेगी, ठीक है। तो अगर हम टाइम लिखें, टाइम ऑफ ए साइकिल, तो लिख दो आप, पूर्ण आवर्त काल, एक चक्कर का समय, ठीक है, दैट इज टाइम पीरियड्स, पूर्ण आवर्त काल हाँ भी कितना बनेगा, देखो आप, 4 इंटू टी वन, क्योंकि ए से ओ का टाइम टी वन है, तो यहां फिर टाइम कितना होगा, टी वन, और वापिस जाएगा तो कितना होगा, टी वन, और ओ से ए तक फिर इसको कितना लगेगा, टी वन। तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, 4 इंटू टी वन, तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप टी वन की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू पाई बाई टू, और ए रेज ऑफ पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू, ठीक है। तो कुल मिलाकर के लास्ट में कितना बनेगा, ये लास्ट में हमारे पास बनेगा 2 पाई ए रेज ऑफ पावर 3/2 अपॉन रूट 2 म्यू, और ये क्या होगा, टाइम पीरियड, पूरे एक चक्कर का समय, ठीक है। कब, जब पार्टिकल किस रूल के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा हो, मोशन अंडर इनवर्स स्केयर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम के अधीन कण की गति हो। तो इस तरीके से हम इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनना आप, ओके, थैंक यू। तो होपफुली आपने मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और आपको अच्छी लगी होगी, ओके, तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ओके, थैंक यू।